वेलकम टू चॉकलेट गेमिंग। हमारे आफ्टरनून वाले कस्टम में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आज प्लेयर्स कम है आए हैं हमारे पास, तो मैं भी थोड़ा रैंक पुश कर रही हूँ अपनी आईडी से। तो देखते हैं कितने दिन में कॉन्करर मिलता है, ट्राई तो कर रहे हैं। तो स्वैग की टीम आज नहीं हुआ है। स्वैग एनिमस एवरर डायमंड वैनम, तो स्वैग की टू टीम्स आई है। स्वैग अभी डेंजर फैंटन आशीष, तो अच्छा है हमारी हमारे कस्टम में न्यू न्यू टीम्स आ रही है। धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप सबका आप सब सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू उसके लिए। तो यहाँ पर टीम नंबर 20 जंप कर चुकी है, शायद वो नोवो जाएगी, तो होप की टीम नोवो की तरफ आ चुकी है। और टीम नंबर 16 भी, तो इनकी फाइट शायद हमें मिल सकती है देखने को पहले। रैंक पुश के बाद हमारा डेली लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। फाइट कर रहे हैं, दूसरे दूसरे नेट को बोला हुआ है चेंज करवाने को, नेट चेंज करेंगे हम अपना। यहाँ पे साइको, क्या हो गया ये, ओपन बीच में ही ओपन हो जाती है। डू नॉट डिस्टर्ब, तो डू नॉट डिस्टर्ब नहीं लगा था हमारे, तो सॉरी डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया है। तो यहाँ पे सी टीम नंबर 16 का वन प्लेयर नॉक है। होप की टीम, होप के आज टू ही प्लेयर है। तो कौशिक ने यहाँ पे स्वैग डायमंड को फिनिश कर दिया। C4 डेविल ने वो आर्मी को नॉक किया है, तो C4 डेविल भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। तो साइको टीम नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, तो आर्मी को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। साइको ने किया स्वाइपर को नॉक कर दिया है। अवेन 4 AM रफ्तार, उनके KS वहाँ पे नॉक है। आर्मी को रिवाइव दिया जा चुका है। अवेन, तो यहाँ पे अंशुल को नॉक कर दिया है 069 ने, तो वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। चलते हैं C4 की टीम के पास, तो C4 डेबिल नॉक हो चुके हैं, तो बचते हैं हाइब्रिड वैनम अकेले प्लेयर अपनी टीम के। इनकी हाल तो वैसे ही कम है, तो इनकी टीम एलिमिनेट हो सकती है यहाँ पे। तो होप की टीम की तरफ से इनकी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, तो दोनों प्लेयर्स को रिवाइव मिल जाएगा। चलते हैं हॉक की टीम के पास, हॉक फ्लैश, इनके पास वन किल आ चुका है। तो मैडक्स क्रिशन यहाँ पे नॉक होते हैं, GVT तो यहाँ पे 4 AM पैंथर नॉक है टीम नंबर 22। तो यहाँ पे जीएन सूर्य को भी नॉक कर दिया VSA GBT ने। यहाँ पे 3 टीम्स है टीम नंबर 15, तो यहाँ पे 4 टीम्स है टीम नंबर 15, 13, 7 और 22। इनकी टीम के अभी एक ही प्लेयर बचे हैं, कॉडेक्स मैक। चलते हैं टीम नंबर 15 के पास, तो पैंथर यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। प्रीडेटर्स यहाँ पे फ्रेंजी ने नॉक किया है पैथ को,
हम इनकी फाइट देखते हैं अभी, यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी देखने को मिलेगी हमें। फ्रेंजी ने पैथ को पूरा फिनिश कर दिया वहीं पे, वलक ने राइट से प्रीडेटर को यूजी से नॉक कर दिया है। यहाँ पे वीएसएस भी चल रही है टीम नंबर 13 की तरफ से, तो इनके सिर्फ दो ही प्लेयर हैं यहाँ पे, लियोन आमिर और जीवीटी व्हाइट हैट। तो प्रीडेटर्स की किल लेने के लिए ये रेडी थे लेकिन उनको किल नहीं मिला। चलते तो यहाँ पे डीएन सूर्य, तो यहाँ पे कॉड एक्स मैक को बहुत डैमेज दिया लेकिन वो निकल गए उधर से। यहाँ पे डीएन सूर्य रिवाइव हो चुके हैं, चलते हैं टीम नंबर 2। तो प्रीडेटर ने यहाँ पे कॉड एक्स मैक को फिनिश कर दिया है पूरा। चलते हैं टीम नंबर 7 के पास, डीएन सूर्य। तो इनकी हेल्थ यहाँ पे कम है तो इनके, तो वीएसएस से जीवीटी व्हाइट हैक हैट ने इनको फिनिश कर दिया डीएन सूर्य को, तो इनकी टीम वहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। इनके भी 2 ही प्लेयर्स हैं तो इनके आगे टीम नंबर 15 है। चलते हैं टीम नंबर 15 के पास, 2 vs 3 और 2 vs 4। यहाँ पे प्रीडेटर्स की हेल्थ कम है, 4 AMB, तो इनके आगे एस की टीम है। चलते हैं टीम नंबर 22 के पास, एस वलक। तो नीरज, तो यहाँ पे बिहारी ने जी फ्रेंजी को पूरा फिनिश कर दिया है, तो इनके सिर्फ अभी 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, आयुष यार कपीट, तो शायद ये उनके साथ नहीं थे फ्रेंजी के साथ, तो इनके क्लोज टीम नंबर 9 है। टीम नंबर 9 के पास चलते हैं, बिहारी। यहाँ पे स्वैग की टीम फार्म आई हुई है, 4 AMB ही यहाँ पे बैड नीरज को नॉक कर दिया। चलते हैं टीम नंबर 22 के पास, तो ए स्विंग के डिफॉल्ट फ्यूरी भी नॉक है, तो वल्लक, तो इनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है टीम नंबर 15 की तरफ से। चलते हैं टीम नंबर 15 के पास, तो लेकिन इनके यहाँ पे 1 प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, तो रोर ओपी। तो यहाँ पे एसजी की टीम की फाइट हो रही है, ग्लिफ़र्ड यहाँ पे नॉक है, तो टीम नंबर 11 के बहुत प्लेयर्स नॉक है, तो बचते हैं एवी अकेले प्लेयर अपनी टीम के, ओवी। तो ब्रॉक के साथ इनकी फाइट हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा डैमेज मिली है, तो ब्रॉक को भी डैमेज दिया जा रहा है। यहाँ पे अवी ने ब्रॉक को नॉक कर दिया है, शायद वो अभी अपनी टीम के किसी प्लेयर को रिवाइव देंगे। यहाँ पे इनको 3 प्लेयर नॉक है, इनकी टीम को एलिमिनेट करना यहाँ पे इजी है। स्वैग डेंजर यहाँ पे लिनक्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं टीम नंबर 10 के पास, तो रोर ओपी को अभी तक रिवाइव नहीं दिया गया है, रॉक को भी नहीं रिवाइव दिया गया, तो ग्लिफिट शायद नहीं है गेम में। यहाँ पे ब्रॉक को रिवाइव किया जा रहा है, रोरो पी धीरे धीरे फॉल बैक कर रहे हैं पीछे को, कवर में जाने की कोशिश। चलते हैं टीम नंबर 11 के पास, एवी। तो यहाँ पे पूरे की पूरी टीम इनकी बच चुकी है, सभी प्लेयर्स को रिवाइव दिया जा चुका है। तो के एस कातिल यहाँ पे नॉक होते हैं, चलते हैं उनकी टीम के पास, के एस कातिल। यहाँ पे आयुष नॉक होते हैं नाइट किंग की तरफ से, तो कातिल को रिवाइव दिया जा चुका है इनके नीचे टीम। तो यहाँ पे कातिल फिर से नॉक हो जाते हैं नेट से, लेकिन अमन भी नॉक हो जाते हैं, तो इनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे हॉकी टीम की तरफ से एलिमिनेट हो जाती है।
अंशुल, अंशुल को डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे पीछे से कातिल, लेकिन खुद स्टेयर वाले पर्सन से नॉक हो गए। यहाँ पे गनर की टीम की भी फाइट हो रही है, चलते हैं गनर के पास। तो रो ओपी ने यहाँ पे स्वैग को डाउन कर दिया, स्वैग एवी को डाउन कर दिया है अभी। तो इनके फिर से दोबारा 3 प्लेयर नॉक हो चुकी हैं। एसजी की टीम इनको बैक टू बैक नॉक दे रही है। तो बचते हैं डेंजर अकेले प्लेयर, तो यहाँ पे आशीष को फिनिश कर दिया है। तो ग्लिफिट आ चुके हैं बैक गेम में, तो फ्री फायर। तो देखते हैं डेंजर अकेले क्या करते हैं। शायद इनकी गेम अटक रही है। तो रोर ओपी ने यहाँ पे इनको फिनिश कर दिया है डेंजर को। वहीं पे स्वैग की टीम एलिमिनेट हो चुकी है एसजी की टीम की तरफ से। तो इनको 4 किल्स मिल जाते हैं स्वैग की टीम के। तो केएस टॉपरो शोभा भारती तो ये जोन में जा रहे हैं। तो चलते हैं टीम नंबर 5 के पास, सचिन धनवाल। तो इनको आगे टीम नंबर 14 मिलेगी, देखते हैं इनकी फाइट उनसे होती है कि नहीं। बग्गी रोड में लगा के गए हुए हैं, इनके 2 ही प्लेयर्स हैं यहाँ पे। और टीम नंबर 14 के देखते हैं यहाँ पे 2 बसे। तो हॉक फ्लैश ने यहाँ पे साइको को डाउन किया है, चलते हैं फ्लैश के पास। फ्लैश की हेल्थ भी यहाँ पे कम है, इनको डैमेज बहुत ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पे हो आर्मी की तरफ से फ्लैश नॉक हो जाते हैं। यहाँ पे फैंटम, तो फैंटम को फिनिश कर दिया है अवैन के नेट ने, उन्होंने फिर से दोबारा नेट किया है। तो फैंटम बचते हैं अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर, इनके आगे 1 vs 4 है। देखते हैं ये क्या करते हैं। तो खुद नेट फेंक दिया इन्होंने नीचे स्टेयर्स पे, ट्रिक्स उड़ा रहे हैं ये। वहीं पे नेट किया हुआ नीचे, लेकिन पीछे से उजी लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे लॉल साइको को नॉक कर दिया है। तो पूरा अवैन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं पूरा। तो साइको और यहाँ पे अंशल नॉक है। तो आर्मी अकेले प्लेयर बचते हैं, लेकिन आर्मी ने फ्रेंटम को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। एक ही प्लेयर बचा था, इनका नेट भी काम आ गया फैंटम का, लेकिन बहुत अच्छा खेले वो। तो कड़क चाय यहाँ पे नॉक होते हैं रोर ओपी की तरफ से। तो एसजी की टीम की फिर फाइट हो रही है, रोर ओपी खुद नॉक हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉक ने उनको कड़क चाय की किल दिलवा दिया। चरस पे यहाँ पे चरस नॉक हो जाते हैं ग्लिफिड की तरफ से। M249 के शॉट्स ले रहे हैं ग्लिफिड पे डीएस नील, तो यहाँ पे नील भी नॉक हो जाते हैं। ग्लिफिड ने बहुत डैमेज दिया, लेकिन उनका नॉक ब्रॉक ले जाते हैं। तो चलते हैं टीम नंबर 2 के पास, उनके क्रोना बचे हैं अभी, क्रोना रिवाइव दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे लिनिक्स को पूरा फिनिश कर दिया है, उनको शायद पता है कि उन पूरी की पूरी टीम इनकी तरफ बढ़ रही है। तो एक्सी की टीम यहाँ पे कार ब्लास्ट, तो कार ब्लास्ट में एक्सट्री की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है शायद। तो यहाँ पे क्या मारा है क्रोना ने M249 से, तो पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है एसजी की। चलते हैं एक्सट्री की टीम के पास, शायद वो एलिमिनेट हो चुकी है, देखते हैं। उनके बहुत सारे प्लेयर्स को कार ब्लास्ट से नॉक किया गया था। तो वैनम, वैनम रिवाइव हो चुके हैं। चलते हैं टीम नंबर 14 के पास, अनु 16, डार्क इन्फेर्नो, गलिंगर, केएस जतिन 07। तो कावन 0 ने यहाँ पे नॉक किया है गाड़ी से। तो चलते हैं कावन की टीम की तरफ। तो इनके पीछे टीम नंबर 5 है,
तो सचिन यहाँ पे 9 हैं, टीएलसी अकेले प्लेयर बचे हैं अपनी टीम के, देखते हैं इनको। तो वहाँ पे कहा वन की टीम इनकी तरफ आ रही है, तो शायद इनकी टीम एलिमिनेट हो सकती है यहाँ पे। तो पीछे से टीम नंबर 4 आ चुकी है। यहाँ पे मैड मैक्स पे को भी यहाँ पे डैमेज दिया गया है, तो वहीं से पीछे से थर्ड पार्टी कर रही है टीम। तो यहाँ पे सेल यूरो ने यहाँ पे नॉक कर दिया मैड मैक्स को, लेकिन कावान ने सचिन को फिनिश करके इनकी टीम को एलिमिनेट कर दिया है। देखते हैं ओरो की टीम कौन सी है। 19 टीम पीछे से थर्ड पार्टी कर रही है सेल की टीम। ओटो यूरो राजा कौशिक, तो साइको ने यहाँ पे स्वैग को नॉक किया, स्वैग वैनम। चलते हैं स्वैग की टीम के पास, वैनम इनके नॉक हैं। बचते हैं एरो और एनिमल्स, तो साइको आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं साइको, साइको को बहुत ज्यादा डैमेज मिली है यहाँ पे, तो एनिमल्स को यहाँ पे नॉक कर दिया है। तो इनके बच्चे हैं अभी एरर, तो एरर ने साइको को नॉक किया था लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए, तो साइको बच जाते हैं, उनको रिवाइव मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे किल्स निकाल रही है होकी टीम। चलते हैं टीम नंबर 9 के पास, बिहारी जोधा। तो इनके तुषर भारद्वाज यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो सेल उरो ने यहाँ पे डीएमएक्स राजपूत को नॉक किया है। चलते हैं सेल की टीम के पास, तो यहाँ पे बहुत सारे टीम्स की फाइट हो रही है वहीं पे टीम नंबर 19। तो इनके प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दिया है टीम नंबर 4 ने, तो वैनम फिनिश हो जाते हैं, एक्सट्री वैनम। तो का की टीम अभी हल और पूरो है दोनों, तो का वन काल को यहाँ पे नॉक किया हुआ है, तो पीछे से फिनिक्स डाउन कर देते हैं। चलते हैं फिनिक्स के पास, तो इनके पास ग्रोजा है, तो ये नॉक हो जाते हैं, इनको पूरा फिनिश करेंगे उरो। देखते हैं फिनिक्स फिनिश हो जाते हैं, तो ये अकेले ही प्लेयर अपनी टीम के बचे हैं। तो पीछे से एक्सट्री की टीम है, उनके सिर्फ हंटर ही है लाइव में। तो यहाँ पे जीरो भी नॉक हो जाते हैं, यहाँ पे हेल को रिवाइव दिया जाएगा शायद, देखते हैं। तो एक्सट्री गैरी फिनिश हो चुकी है, उरोग उनकी किल मिल चुकी है। तो क्रोना ने यहाँ पे योद्धा को नॉक किया है, बिहारी ने क्रोना को नॉक कर दिया है। वहीं पे मुझे लग रहा है कि बिहारी की टीम एलिमिनेट हो चुकी है डीएसएस की तरफ से। तो कावन काल को नॉक किया है सेल की टीम, बहुत अच्छा खेले है उरो। यहाँ पे डीएमएक्स राजपूत का रिवाइव मिल चुका है, तो यहाँ पे बचते हैं काल बाबा अकेले प्लेयर अपनी टीम के, कावन बाबा। तो हंटर पे शॉट्स ले रहे थे लेकिन उनको डैमेज नहीं मिला। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे का बाबा को फिनिश कर दिया है हेल ने, उनकी टीम यहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। तो चलते हैं एक्सट्रीम की, एक्सट्री की टीम की तरफ, एक्सट्री हंटर। तो ये यहाँ से निकल रहे हैं, इन्होंने उरो को यहाँ पे बहुत डैमेज दिया है ब्रस्ट गन से, तो शायद रोटेट कर रहे हैं एक्सट्री हंटर। देखते हैं एक्सट्री हंटर को, हेल इनको सपोर्ट कर लेंगे शायद। तो यहाँ पे हेल नॉक हो जाते हैं एक्सट्री हंटर की तरफ से, तो बचते हैं अकेले उरो। तो ये शायद पुश कर रहे हैं हंटर उन पे। चलते हैं औरों की तरफ, जो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, तो बग्गी लेके आ चुके हैं हंटर। इनको तो यहाँ पे उरो को बग्गी से फिनिश कर दिया हंटर ने, लेकिन हंटर को डैमेज मिला था, लेकिन जेल की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। बहुत अच्छा खेली सेल की टीम, बहुत अच्छे किल्स निकाले उन्होंने। चलते हैं होकी टीम के पास, स्वैग टाइगर के पास चलते हैं, जो अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर बचे हैं। इनकी टीम में सिर्फ 2 प्लेयर्स थे आज, देखते हैं कौन सी पोजीशन दिलवाते हैं अपनी टीम को। लाइन ब्लैक, तो इनकी टीम के पास आज सिर्फ 2 किल्स हैं, एक्सट्री हंटर और डीएमएक्स राजपूत।
बहुत अच्छा खेले हैं ये भी। तो टीम नंबर 14 के पास फिलहाल 0 किला, शायद इनकी फाइट किसी भी टीम से नहीं हुई है, तो आगे बहुत जल्द इनकी फाइट हो सकती है। तो वहीं पे टीम नंबर 24 आ चुकी है इनकी तरफ, तो डार्क इन्फेर्नो को बहुत ज़्यादा डैमेज भी मिला है, तो यहाँ पे दो इनके प्लेयर्स और डैमेज है, तो क्या फाइट हो रही है भाई इनमें। तो इन्फेर्नो को भी नॉक कर दिया है, गलिंगर अकेले ही प्लेयर बचते हैं अपनी टीम के, तो पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट कर दी है, 14 टीम एलिमिनेट हो चुकी है टीम नंबर 20। यहाँ पे ढोर राइडर को भी नॉक कर दिया है, लेकिन क्रॉक्रो फिनिश हो चुकी है टीम नंबर 24 की तरफ से। तो क्या फाइट ली है टीम नंबर 24 ने पहले पहले इन्होंने टीम नंबर 14 को यहाँ पे एलिमिनेट किया, और वहीं पे टीम नंबर 12 का प्लेयर आ जाता है, उसको भी फिनिश कर दिया। तो राइडर को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। चलते हैं टीम नंबर 12 के पास, उनके सौरभ भारती अकेले ही प्लेयर हैं, शोभा भारती तो ये शायद नेट कर रहे हैं इतने दूर तक, देखते हैं नेट जाता है इनका कि नहीं जाता। तो अगर इनको किसी ने स्पॉट कर लिया डायरेक्ट हेड लगेगा इनको। तो लुआइन ब्लैक को यहाँ पे डैमेज दिया है इनके नेड ने, उनको शायद पता नहीं है कि ये एक ही प्लेयर है, नहीं तो अभी तक वो पुश कर देते शोभा भारती पे। चलते हैं टीम नंबर 1 के पास, राजेश ओपी, सूरज राज ओपी, तो ये प्रोन है, तो प्रीडेटर्स को नॉक किया है साइड एप साइड फैक्स ने, SYDFX जेम टैंक, तो ये भी शायद आज न्यू प्लेयर है हमारी टीम में, तो इनको जोन में निकलना चाहिए बिकॉज प्रीडेटर यहाँ पे अकेले ही प्लेयर हैं अपनी टीम के। तो राज सूरज ओपी, तो यहाँ पे डीएस चर्च नॉक होते हैं, चलते हैं क्रोना के पास। क्रोना कहाँ है क्रोना, तो यहाँ पे इनके डीएस चर्च नॉक है, चलते हैं टीम नंबर 20 के पास, साइको, तो यहाँ पे अंशुल इनके नॉक है, तो अंशुल को पूरा फिनिश कर दिया है, साइको अकेले ही प्लेयर बचते हैं अपनी टीम के, तो डीएस उनको पूरा फिनिश कर दिया, और डीएस नील को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। तो क्रोना है इनके आगे, तो वो भी फायर करते जा रहे हैं बिकॉज उनकी तो यहाँ पे एमो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन साइको को लोड करना पड़ा, तो इसलिए वो उनकी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। क्रोना बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्रोना आज क्लच पे क्लच करने में है, M2499 के पास। तो यहाँ पे डीएस नील बच चुके हैं, लेकिन चर्स इनके फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमारे पास 6 टीम्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स सोलो है। तो यहाँ पे टीम नंबर 24 आ रही है इनकी तरफ, अगर वो रुक जाती है तो इनको मुश्किल होगी, तो टीम नंबर 24 यहाँ पे रुक चुकी है। चलते हैं 4 AM पैंथर के पास, तो ये अभी हिलजुल नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी टीम नंबर 24 के प्लेयर्स इनकी तरफ आएंगे। वहीं पे टीम नंबर 12 भी आ रही है पीछे से, वो अकेले ही प्लेयर हैं शोभा भारती, तो इन पे नेट्स किए जा रहे हैं। तो DMX राजपूत ने यहाँ पे सूरज राज ओपी को नॉक किया है, तो XTE की तरफ से खुद नॉक हो जाते हैं। चलते हैं दोबारा से पैंथर के पास, तो आगे आ चुकी है टीम नंबर 24, तो यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर दिया था उन्होंने। चलते हैं टीम नंबर 24 के पास, लॉयन ब्लैक यहाँ पे नॉक हो चुके थे पैंथर की तरफ से, लेकिन वहीं पे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, उनको रिवाइव मिल चुका है, दोनों प्लेयर साथ में आए तो इसलिए उनको थोड़ी मुश्किल हो गई। शोभा भारती तो ये पीछे से आ रहे हैं, अकेले प्लेयर हैं इनके आगे, 1v4 है, तो राज सूरज ओपी फिनिश हो चुके हैं।
जी एम टैंक जोन में है, अभी शायद जोन में है, फिनिश ना हो जाए ये। राजेश शोपी को देखते हैं, ये जोन के प्ले जोन के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हुआ है और जीएम टैंक को यहाँ पे जाना पड़ेगा जोन में। तो अगर ये जोन रुक जाता है तो इनकी हेल्थ ज्यादा जाएगी। तो आगे राजेश ओपी इनको रिवाइव भी दे सकते हैं, इनकी हेल्थ लग जाए। देखते हैं, लगती है कि यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। इनकी हेल्थ लग चुकी है तो ये प्ले जोन से निकल जाएंगे बाहर, तो ये बच सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 टीम्स हैं, तो एक टीम को तो पूरी की पूरी यहाँ पे अभी अलाइव है। बहुत सारी टीम्स के 2 प्लेयर और 1 प्लेयर हैं, 2 वर्सेस 4। देखते हैं कौन सी टीम 2 वर्सेस 4 या 1 वर्सेस 4 करता है। कोई लॉयन ब्लैक की टीम के साथ, यहाँ पे टीम नंबर 24 आ चुकी है ड्रॉप लूटने। देखते हैं ड्रॉप में क्या है। ऑग तो क्रोना ने यहाँ पे शायद फ्लेयर मंगवाई हुई है, तो दो दो ड्रॉप है इनके पास भाई। एमके ऑग दूसरे में देखते हैं क्या है। एमके ऑग दोनों में, एमके ऑग दोनों में, एमके और ऑग है। देखते हैं इन्होंने उठाया तो नहीं है, कोई भी गन नहीं उठाई इन्होंने, तो एमके उठा लिया डीएस नील ने। दोनों ड्रॉप्स में सेम सेम गन्स, तो टीम नंबर 18 भी आ चुकी है यहाँ पे। तो इनकी फाइट टीम नंबर 2 से होगी। टीम नंबर 2 तो नेड निकाला है क्रोना पे करने के लिए, नेड इन्होंने कर दिया है। तो डीएस नील पे भी यहाँ पे नेड किया है, क्रोना को डैमेज मिला है नेड से। दोनों प्लेयर्स नीचे आ चुके हैं, किसी को यहाँ पे नॉक नहीं मिलेगा। तो डीएस नील यहाँ पे नॉक हो जाते हैं एक्सट्री हंटर की तरफ से, इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया था उनको। तो अभी क्रोना बचते हैं, डीएमएक्स राजपूत के पास चलते हैं। राजपूत तो कहीं और ही स्मोक नेट कर रहे हैं, तो क्रोना वहां से निकल चुके हैं नील को रिवाइव किए बिना। कॉल पे कॉल, पता नहीं कौन बोल रहा है। यहाँ पे क्रोना की तरफ जा रहे हैं एक्सट्री हंटर। चलते हैं एक बार क्रोना की तरफ, इनके पास M249। तो यहाँ पे नील रिवाइव हो चुके हैं, तो एक्सट्री हंटर आगे आ चुके हैं। स्मोक में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया इस टीम को, तो नेड इन्होंने अपने पे ही कर लिया। इनके टीम का ही कोई प्लेयर बोल रहा है, नेड यहीं पे हो गया। वहाँ पे टीम नंबर 24 शॉट्स ले रही है, तो यहाँ पे डीएमएक्स राजपूत को डैमेज बहुत ज़्यादा मिला है। वहीं पे टीम नंबर 2 है इनके राइट में, तो एक्सट्री हंटर ओपन में घर चेंज करते हुए। तो चलते हैं टीम नंबर 1 के पास, राजेश ओपी। तो शोभा भारती को इन्होंने ये सपोर्ट कर सकते हैं इजी जेएम टैंक। चलते हैं एक बार टीम नंबर 24 के पास, तो वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो राइडर चलते हैं 18 के पास, तो यहाँ पे क्रोना ने शोभा भारती को फिनिश कर दिया है ऑम से। चलते हैं डीएस नील के पास, तो यहाँ पे 2 वर्सेस 4 होने वाला है और पता नहीं कौन कौन सी टीम की तरफ से।
थर्ड पार्टी देखने को मिल जाए जीएम टैंक, तो क्या हो गया इनको, एक ही तरफ देख रहे हैं ये। यस नहीं तो उनको आना होगा बाहर। तो राजेश ओपी ने शायद उनको सपोर्ट किया हुआ है, तो वहीं पे टीम नंबर 24 टीम नंबर 18 पे शॉट्स ले रही है। डीएमएक्स राजपूत को फिर से डैमेज दिया है टीम नंबर 24 ने, तो जोन बनाए टीम नंबर 1 की तरफ। तो सब टीम्स को आना होगा जोन में। जी हम टैंक की तरफ चलते हैं। तो लाइन ब्लैक ने यहाँ पे डीएमएक्स राजपूत को नेट से नॉक कर दिया है, तो वहीं पे क्रोना बाहर निकलेंगे। अभी अभी इनको देखना होगा जेएम टैंक को, लेकिन वहीं पे जे इस तरफ आ चुके हैं, तो जेएम टैंक यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। तो राइडर की तरफ से तो फिनिश भी कर दिए गए हैं ये राजेश ओपी, बचते हैं अकेले प्लेयर, तो ये भी फिनिश हो जाएंगे। गन्नर की तरफ से इनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। तो क्रोना को यहाँ पे नॉक कर दिया है तो राइडर ने, तो राइडर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो खुद नॉक हो जाते हैं डीएस नील की तरफ से, लेकिन वहीं पे इनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। तो थोर राइडर को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, डीएमएक्स राजपूत रिवाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पे 2 vs 4 है, अभी सिर्फ हमारे पास 2 टीम्स है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 vs 4 क्या देखने को मिलता है, कौन सी टीम आज का चिकन इन्हें निकालती है। यहाँ पे इन्होंने मॉली निकाली है, लेकिन वो प्लेयर नहीं है ऊपर, तो ये मॉली का रंग कैसा था, ग्रीन ग्रीन। तो इनकी टीम जोन में जा चुकी है टीम नंबर 24 की, डीमेक्स राजपूत को देखते हैं। तो वो प्लेयर बाहर है जिनको ये ढूंढ रहे हैं, लॉइन ब्लैक। तो लॉइन ब्लैक ने इनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे बाहर आके गलती कर दी, लेकिन किंग इनके नॉक हो जाते हैं, तो वहीं पे राजपूत भी फिनिश हो जाते हैं लॉइन की तरफ से। तो उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे, दोनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आज का हमारा चिकन डिनर निकाला है, #1 पोजीशन है लाइन ब्लैक, गनर, नाइट किंग और थोर राइडर की था, इनकी पोजीशन आती है 1। तो आज का चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर करती है ये टीम। तो यहाँ पे लाइन ब्लैक के पास 1 किल है और गनर के पास 6 किल्स हैं, नाइट किंग के पास 2 किल्स हैं, थोर राइडर के पास 5 किल्स हैं। आगे चलते हैं सेकंड पोजीशन टीम के पास, एक्सट्री हंटर के पास 2 किल्स हैं, डीएमएक्स राजपूत के पास 1 किल है, एक्सट्री वैनम के पास भी 1 किल है और एक्सट्री गैरी के पास भी 1 किल है। तो आगे हमारी है थर्ड पोजीशन टीम क्रोना। क्रोना यहाँ पे बहुत अच्छा क्लच किया इन्होंने आज, 107, तो इनके पास है 7 किल्स, कड़क चाय के पास 0 किल है, डीएस नील के पास 0 किल है, डीएस चर्स के पास 3 किल्स है। नील आज बहुत बार नॉक हो चुके थे, तो क्रोना को थोड़ी मुश्किल आ रही थी, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले हैं बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत अच्छी अच्छी फाइट देखने को मिली है। तो राज सूरज ओपी के पास 1 किल है और साइड फैक्स के पास जेएम टैंक, इनके पास 1 किल है। आगे बात करते हैं हम किल्स की, किस किस प्लेयर ने कितने कितने किल्स निकाले हैं। सोवा भारती ने अपनी टीम को बहुत अच्छी पोजीशन दिलवाई है यहाँ पे, 5th पोजीशन। तो आगे चलते हैं किल्स पे। प्रीडेटर के पास यहाँ पे 3 किल्स है, 4AM बीस्ट के पास 2 किल्स हैं, 4AM पैंथर के पास 3 किल्स हैं और अवेन के पास 1 किल है। ये जल्दी एलिमिनेट हो गए थे अवेन। तो HDD है इनका नाम अंशुल, और इनके पास 4 किल्स हैं। हो साइको के पास यहाँ पे 6 किल्स हैं, हो आर्मी के पास 3 किल्स हैं, बहुत अच्छे किल्स हैं सभी प्लेयर्स के पास। तो आगे चलते हैं, ओरो ने यहाँ पे बहुत अच्छे किल्स निकाले थे, बैक टू बैक प्लेयर को नॉक कर रहे थे, इनके पास 5 किल्स हैं और हेल के पास 2 किल्स हैं, TRX कौशिक के पास 2 किल्स हैं, काल के पास 1 किल है, K1 फिनिक्स के पास 1 किल है, तुषर भारद्वाज के पास 1 किल है और बिहारी के पास 2 किल्स हैं, GVT वाइट हैट। तो ये आज न्यू प्लेयर थे हमारी टीम में, तो इनके पास 2 किल्स हैं। स्वैग की टीम भी आज न्यू थी। तो SG की टीम के पास चलते हैं, SG ब्रॉक के पास 1 किल है, SG रोर OP के पास 4 किल्स हैं, हॉक फैंटम के पास 1 किल है, हॉक फ्लैश के पास 1 किल है, टी रेक्स फ्रेंजी के पास 1 किल है,
एस ट्रैक के पास 1 किल है और बैड नीरज के पास भी 1 किल है, तो यहीं पे किल लिस्ट होती है फिनिश। तो आज का हमारा कस्टम भी यहाँ पे होता है फिनिश। अभी हम एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।